बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इनके जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे या किस तरह होगा, वो तरीक़ाकार क्या होगा, आज मैंने उसके बारे में बताना है कि लेक्चर जो है ना वो किस तरह होंगे। असल में इसका जो लेक्चर्स का शेड्यूल है वो आपको दे दिया जाता है जब आप एडमिशन हो जाएगा एलएमएस में, और उसमें शेड्यूल भी होगा कि किस तरह लेक्चर होने हैं, लेकिन वो ऑनलाइन इस तरह होने हैं कि इनके चैनल बने हैं। VTV 1-4 तक चैनल है, VTV 1-4 तक चैनल्स हैं, उस चैनल में वो उस शेड्यूल के मुताबिक लेक्चर होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, लेकिन वो टीवी चैनल के ज़रिए से होते हैं, ना कि आपके अकाउंट के ज़रिए से ऑनलाइन होते हैं। दूसरी बात, अब इस लेक्चर को अगर जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है टीवी चैनल्स की, तो अब वो उसके मुतबादल क्या करें, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करें। यूट्यूब चैनल में आप लोग किस तरह जाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने यूट्यूब को खोलना है, और यूट्यूब में सिर्फ आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखना है और चैनल आ जाएगा। इसमें हम लिखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये लिखकर हम सर्च कर देंगे तो हमारे सामने ये सबसे पहले जो है ना ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे आपने क्लिक करना है और इसकी वीडियोस पे जाना है, और जिस आप कोर्स की वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको इधर से मिल जाएंगी, यानी 304 ये कोड होते हैं इनके, ठीक है जी, ये कोड होते हैं हर सब्जेक्ट के, 304 है, 433 है, ये जूलॉजी का कोर्स है, और इसी तरीके से ये सारे कोर्सेज आप ये सारे बायोलॉजी और जूलॉजी कोर्स जा रहे हैं, उसके अलावा ये सारे जो है ना वो कोर्स आपको इधर से मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इधर से अपने अपने कोर्स को देखना है और उसकी वीडियो जो है ना वो अपने चेक कर लेनी, ठीक है जी, या सीधा प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इस कोर्सेज के वाले से एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है जी। ये आपके सामने प्लेलिस्ट में इंग्लिश के कोर्सेज हैं, और 501 ये CS शुरू हो गया, CS 315 है, और इसके 400, ये सारे जो है ना ये प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना आपको मिल जाएंगे। ये आप डायरेक्ट जो है ना वो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपने इन कोर्सेज को डाउनलोड करना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि आप इनको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग जो हैं, ये मैं एक लेक्चर, ये देखें 121 ये वीडियोस हैं, ठीक है जी, 167 हैं ये वीडियोस हैं, और इसके अलावा ये मैं CS के देख रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स हैं, ये मिक्सअप है, सारी लिस्ट बनी हुई है, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के 227 वीडियोस हैं। तो आपने लेक्चर वाइज जो है ना इनकी वीडियो देखनी है, जो बाकी रहा नोट्स का मसला वो मैं बताता हूँ, नोट्स आप कैसे आपने डाउनलोड करना है। ये पहला लेक्चर है, फिर दूसरा है यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का, ये इसी तरीके से ये लेक्चर चलते जाते हैं, और ये आपके सामने है, ये 6 मिनट और 11 सेकंड की वीडियोस हैं, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, मैक्सिमम 9-10-12 तक होती हैं, 6 मिनट 5 मिनट आप एक लेक्चर सुन लें, अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से आप लेक्चर सुन सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप को लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो जो LMS में उस लेक्चर में आपका वो डिस्कशन जो बॉक्स होगा वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन करके, और जो मुतल्लिका टीचर होगा वो उसका जवाब देगा, नेक्स्ट डे या तीसरे दिन या दूसरे दिन जो है ना जवाब आपको मिल जाएगा, या उसमें डिस्कशन में काफ़ी सारे जवाब होते हैं, वहाँ से आप चेक कर लें उस लेक्चर के बारे में। तो उम्मीद है कि ये आपको समझा गया होगा किस तरह आपने इस लेक्चर को देखना है। ये CS 1 का मैं लेक्चर चला रहा हूँ, ठीक है जी।
तो इससे आप जो है ना लेक्चर आप इस तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है जी, ये 5-6 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इधर से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये लेक्चर्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है जी, और उसके बाद हम अब डाउनलोड का तरीका किस तरह है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और ये स्नैप ट्यूब आप देख रहे हैं, तो ये आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, स्नैप ट्यूब। ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाके स्नैप ट्यूब लिखेंगे, वहाँ पे आपको ये स्नैप ट्यूब मिल जाएगी, ये स्नैप ट्यूब। ठीक है जी, ये पहला पहला जो है ना ट्यूब वीडियोस स्नैप ट्यूब, ये आप कर लें, ये वाला जो है ये स्नैप ट्यूब, ये वाला कर लें, ये जो सा भी कर लें, सब पे ये चल जाएगा। आपने फिर मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं वापस जाता हूँ, जो इंस्टॉल हुआ पड़ा है उसमें जाते हैं, ये देखें ये स्नैप ट्यूब जो ही आपने इस स्नैप ट्यूब के ज़रिए से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर्स को। मैं इसको स्केप कर देता हूँ और नॉट नो ये यूट्यूब इसके पर खोलें, वही तरीका जिस तरह हमने यूट्यूब के चैनल के अंदर लिखा था वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें आपने वही तरीकाकार इसके अंदर लिखना है। ये खुल जाए, नीचे है ये सर्च का, इधर आप वही तरीका लिखेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान करके आप अपना सर्च पर क्लिक कर दें, तो आपके सामने वो चैनल आ जाएगा। ठीक है जी, ये चैनल आ गया जी, जहाँ पे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये इसके अंदर 46,431 वीडियोस हैं इस चैनल के अंदर, तो ये वही तरीकाकार प्लेलिस्ट में चले जाएं। ठीक है जी, प्लेलिस्ट में आपने सब्जेक्ट्स को देखना है, किसको सब्जेक्ट्स को आप चेक करने जा रहे हैं, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एवरीथिंग है, मीन के तमाम सब्जेक्ट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी लिस्ट बनी हुई है। आपने उस लिस्ट से उस लिस्ट को खोलकर एक एक लेक्चर आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं, मोबाइल पर भी सुन सकते हैं उन लेक्चर्स को। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है इन लेक्चर्स में, और मज़ीद ये बताता चलूँ, जितने भी ये लेक्चरर्स होते हैं ये सारे MS और PhD डॉक्टर्स हैं तकरीबन मोस्टली, और बहुत तजर्बा है इनका, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट जो है ऐसे नहीं रखती, कॉम्पिटेंट बंदों को रखती है, बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं ये सारे लेक्चरर्स, बहुत इनका तजर्बा है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग ये 200 CS 101 में देखता हूँ। अब इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, जो ही हम इस हाल करना चाहते हैं डाउनलोड हाल हो जाएगा, ठीक है ना, सारे लेक्चर हैं, लेकिन ये वाला जो चल रहा है ये हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये इस पर क्लिक करेंगे, ये 480p जो है ना इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड, ठीक है जी, तो ये इस पर करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए आप वेट करना, जब ये खत्म हो जाए फिर इसको क्लोज कर दें। अब ये आप चेक कर सकते हैं इसको कि आपका लेक्चर डाउनलोड हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, तो इसमें ये हो रहा है, इसको आप मज़ीद देख सकते हैं, ये देखें ये 26% वगैरह जो है ना ये डाउनलोड हो गया। ठीक है जी, अब ये डाउनलोडेड है, हम इस डाउनलोडेड को भी अब चेक करके अब चला सकते हैं हम। ठीक है जी, ये डाउनलोड हुआ पड़ा है, मैं उस लेक्चर को देखने जा रहा हूँ जो डाउनलोड हुआ था, मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे एक प्लेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो लार्क प्लेयर कह रहा है, तो इसके लिए प्लेयर आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना, इंशाल्लाह ये चल जाएगा। ठीक है, प्लेयर इसमें वही जो इसमें चलना है वो प्लेयर नहीं है, आपने प्लेयर को इंस्टॉल कर लेना है, तो ये इंशाल्लाह वीडियो आपकी चल जाएगी। ठीक है जी, ये था तरीकाकार आपको वीडियो डाउनलोड करने, लेक्चर डाउनलोड करने का तरीकाकार, और लेक्चर को चलाने का, और किस तरह हम सर्च करेंगे किसी भी लेक्चर्स को, तो आप लोगों ने इसको देख लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो हैं वो इसमें एडमिशन लें, और कोई भी मसला होगा नेक्स्ट में जो लेक्चर बनाएंगे
वो आपने असाइनमेंट्स को कैसे हल करना है, सॉल्व करना है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर नेक्स्ट वीडियो, ओके, खुदा हाफिज़।